Dear students assalamu alaikum hope you are all fine dear students today i will teach you the poem to sleep written by william wordsworth first of all we will read the poem a flock of sheep that leisurely pass by one after one the sound of rain and bees murmuring the fall of rivers winds and seas स्मूथ फील्ड्स वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई आई हैव थाट ऑफ ऑल बाईट एंड स्टील आई लाई स्लीपलेस एंड सोम द स्माल बर्ड्स मेलोडीज मस्ट हेयर फर्स्ट अटर्ड फ्राम माई औरड ट्रीज़ एंड द फस्ट कुकूज मेलक मेलन कली क्राई शायर जो हैं जो स्पीकर हैं वो अफेक्टेड हैं किससे इंसोमिनिया से वो इंसोमिनिया के अफेक्टेड हैं यानी कि नींद ना आने की बीमारी है उन्हें तो वो इसमें लिखते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचते हैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हुए जैसे भेड़ों का एक झुंड जो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके निकल जाता है बारिश की आवाज़ और शहद की मक्खियों का बिन बिनाना दरिया का बहना आंधी और समुंदर की आवाज़ हमवार खेत सफेद पानी की चादरें और साफ़ आसमान आसमान मैंने हर एक के बारे में सोचा लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई शायर ये लिखते हैं कि मैं मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बार बार मैं सोचता रहा लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई और बगैर नींद के मैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा पॉइट लिख लिखते हैं कि जल्द ही मुझे छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ और कुकू की आवाज़ जो उदासी भरी आवाज़ सुनाई दी उदासी भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले एंड नाट विन दी स्लीप बाई एनी stealth without these the what is all the morning's wealth come blessed barrier between day and day dear mother of fresh thoughts and joyous health इसी तरह शायर लिखते हैं कि इसी तरह पिछली रात और दूसरी दो रातों को बग़ैर नींद के मैं पड़ा रहा यानी कि मुझे नींद नहीं आई ऐसे ही बिस्तर पे मैं पड़ा रहा शायर आ, कहते हैं कि ए नींद में तुम्हें किसी भी तरह पा ना सका तुम्हारे बग़ैर सुबह की ये दौलत किस काम की आ, शायर नींद को कहते हैं कि ए दिन और रात के दरमियान मुक़दस रकावट आ जाओ शायर कहते हैं कि आ, ये जो नींद है ये ताज़ा ख्याल और खुशगवार सेहत की माँ है बगैर नींद के सुबह की जो हमारा हमारी जो सेहत है सुबह का हमारा उठना है बगैर नींद के पॉसिबल नहीं है अगर हम रात को नींद अच्छी तरह कर लें अच्छी तरह रात को सो पाएँ तो सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं सुबह जब हम उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं इसमें शायर अपना जो उनके ख्याल हैं वो बयान करते हैं कि मैं तीन दिनों से सो नहीं पाया और मैं कुदरत की हर चीज़ के बारे में सोचता रहा ताकि मुझे नींद आ जाए फिर भी मुझे नींद नहीं आई लेकिन बगैर नींद के जो सुबह का मज़ा है वो कुछ अलग जैसा है तो इसमें अब जो ये मुश्किल अल्फाज नीचे दिए गए हैं लेजरली मीन्स विदाउट है विदाउट हैस्ट इन ए रिलैक्स वे पास बाई टू गो और मू पास्ट द फॉल ऑफ द राइवर द साउंड ऑफ फ्लोइंग मेलोडी ए ट्यून औरड एन एरिया ऑफ लैंड डिवोटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है अल्लाह हाफिज़